ये देखा मेरी बचपन की फोटो जब मैं 8 महीने का था। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी जस्ट उठाऊँ मैं, अभी मम्मी जी ने उठाया, मम्मी ने बोला चाची जी को छोड़ के आना है, चाची जी के मायके जो कि हल्द्वानी में है, पीयूष का नैनी हाल। जल्दी से उठते हैं और चलते हैं, चाची जी को छोड़ के आते हैं। मायके जाओगे? मायके ये ना पी, हमको पॉट लिखना था तो हमने पी ओ तो लिख दिया, पी ओ पॉ को पी ओ लिख दिया। क्या हो रही हो, ऐसे क्यों बैठे हो? कराटे मार रहा था। अभी पढ़ाई करेगा? करूंगा। नहीं ओरियो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं ओरियो बोल रहा है। अभी मुझे सोने दे। देख उसने कहा ना अभी मुझे सोने दे, ठीक है अब तू भी पढ़ाई कर चल। तो अभी गाइस नहा धो के रेडी हो गया हूँ, अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, वही दाल चावल आलू। और अभी दिखाता हूँ आपको ओरियो कैसे सो रहा है, इतनी मस्त रहे सो रहा है। अब देखना आंखें बंद करेगा, ये कर दी। भाई भाई क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम, क्यों लड़ाई कर रहे हो? इसको जो ये वाली लाए है ना डाल लो बड़ी में, डाल तो ली। ये रोज रोज ये डालता है, रोज ये कहां डालता है रोज। चलो अपन ने तो खा लिया, ओरियो को भी दे देते हैं उसका पनीर। ले भाई। तो भी गाइस सभी के सभी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। वैसे चाची को छोड़ने जा रहा है लेकिन सभी के सभी रेडी हो गए। वाह, क्योंकि वो जगह इतनी प्यारी है ना चाची का, जहाँ पे घर है, जहाँ पे मायका है, तो वहाँ पे मजा आता है। तो चलो चलते हैं, तो चलो अब चलते हैं चाची जी को छोड़ने के लिए चाची जी के घर। तेरे को पता, तेरी मम्मी को देखने के लिए हम गए थे। आप भी गए? हाँ चाची को देखने गए थे हम, चाची हमको पसंद आ गई थी, फिर हमने हाँ बोल दी थी। जब मैं तेरे जितना था उस टाइम मैं बहुत छोटा था, पीयूष के जितना था मैं, जब चाची को देखने गए थे हम ना। फिर चाचा की शादी हो गई, फिर पीयूष पैदा हो गया, फिर कुनाली पैदा हो गया। अब किसको देखने जाएंगे? अब किसको देखने जाएंगे? अब सौरभ की बारी है। अरे यार नहीं कट कर देना, कह दो हाय। अब तो बारी इसी की है, फिर और किसकी है बेटा? हमारी देख तबीयत ऐसी रहती है मेरी, मैं तो बहुत बहुत 25, मैंने तो 25 का ही रखा है, तो ज्यादा हो तो 26। बड़ी में बाल भी आगे प्लान रहा है थोड़ा गाइस, बड़ी में ठीक होता है आगे, फिर ज्यादा वो एज हो जाती है, हो जाता है। गाइस बड़ी में मेरा बाल विवाह कराने वाली है, बड़ी में मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी है। तो गाइस बहुत तगड़ी वाली आर्गुमेंट होने वाला है, बहस होने वाली है इस टॉपिक पे, मुझे पता है फ्यूचर में शादी पे, मुझे पता है। जो कि मम्मी कह रही है शादी शादी, मम्मी को शादी की पड़ी है अभी से। नहीं पड़ी है यार, यार अभी बच्चा हूँ मैं, दिखता नहीं आपको है। एक बार बताओ, लेकिन ना एक एज होती है या तो कुछ होता मुझ में, कौन शादी करेगा मुझसे? ना मेरी शक्ल अच्छी, ना मेरा कुछ, ना भाई मम्मी तो पता नहीं क्या ही सोच रही है। मम्मी ने क्या पता लड़की देख भी रखी हो, है मम्मी? देख दुख तो नहीं रखा आपने किसी को? पता लग रहा है एकदम सरप्राइज मिले, हमने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। चलो चलो चलो, तो चाची जी के घर पहुंच चुके हैं। इनके घर में आगे ना मस्त गांव वाली वाइब्स आती है, बिकॉज यहाँ पे गाय वगैरह भी है ना, और खेत वगैरह भी है घर के अंदर ही, और आम का पेड़ भी है बहुत बड़ा सा, आंगन भी काफी बड़ा सा, और घर ही है। पीयूष तो बहुत रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। ऊपर चलें, ऊपर देख के आते हैं। ये देखा मेरी बचपन की फोटो जब मैं 8 महीने का था। तू है ये? हाँ सच्ची? हाँ देखो मैं सो रहा है, देखो। अब डेली यही सोते हो? ऊपर ही, नीचे कभी नहीं सोते? तो पीयूष के नाना ना यहीं सोते हैं रात को डेली। तो गाइज आप सोच रहे कि हमारे घर क्या हुआ, हम भी घर देख रहे थे ना यहाँ पे, अभी तो हम रेंट पे रह रहे, जब से 6-7 महीने हो गए हमको हल्द्वानी आए हुए। तो जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है न्यू घर की, या फिर जो भी हम करने वाले हैं, तो चल जाएगा पता, हमने प्लान तो कर लिया है। और साथ में न्यू स्टूडियो की भी, न्यू स्टूडियो का प्लान करा है, न्यू घर का भी जो भी है वो चल जाएगा आपको पता। तो अभी गाइज यहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं और दिखाते हैं, यहाँ बगल में पहाड़ है तो मस्त व्यू आएगा ड्रोन से। यहाँ पे सब कह रहे हैं छोटा हवाई जहाज आ गया। तो गाइस ये साइकिल देखो कितनी प्यारी सी है। एक ब्रेक का, अरे घुस गया तो, अरे घुस गया अंदर, लोहे का है। क्या घुस गया? अरे घुस गया अंदर, दिखा। अरे उठो उठो, अभी लोहे का है। ओ भाई लोहे की गद्दी, अरे यार घुस गया अंदर। तो अभी गाइस समझा रहे हैं चाची की दूसरी बहन के पास में, उनका घर भी पास में ही है, चाची को आज सबसे मिलवा देते हैं। भाई कितनी सुंदर जगह है यार ये, लेफ्ट में कितना सुंदर लगता है। अभी हम अपनी दूसरी मौसी के घर पहुंच चुके हैं, एंड ये है उनका घर जिसके अंदर अभी चलते हैं हम। तो गाइस थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके मौसी के घर पे, और यहाँ पे देखो कितने मस्त मस्त खेत हैं। तो अब हमारा प्लान है हनुमान धाम जाने का, जहाँ हम कुछ दिन पहले गए थे, तो मम्मी और चाची को लेके चलते हैं। यहाँ से आधे घंटे का ही रास्ता है वहाँ जाने का। हाँ
लीजिए। क्या यार जबरदस्ती पैसे पकड़ा दिए, कह रहे शगुन होता है, ये मुड़ भी गए होंगे इसके अंदर। तो भी गाइस मंदिर पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दी है। तो भी गाइस प्रसाद ले लिया है, अब चलते हैं हाथ पैर धो के अंदर, जूते उतार देते हैं फिर चलते हैं हाथ पैर धोने। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। तो दो दिन से मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, मैंने कहा चलो मम्मी आज मंदिर चलते हैं, थोड़ा मतलब घूमना फिरना भी हो जाएगा और थोड़ी अच्छा भी लगेगा मम्मी को। घर में बैठे बैठे भी अजीब सा लगता है ना, तो इसलिए मैंने कहा मम्मी चलो यार थोड़ा माइंड फ्रेश होगा आपका बाहर चलोगे, तो मम्मी को मंदिर ही लिया, तो हाँ मम्मी को अच्छा फील हो रहा है। पीयूष ने लास्ट टाइम धागा बांधा था और इसने विश मांगी थी कि इसका एडमिशन हो जाए और इसका हो चुका है। सामने सन देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये 5-10 मिनट में सनसेट भी हो जाएगा, वहाँ पे नदी है, तुम्हारा प्लान है वहाँ जाने का। चले नदी में चले। चलो आज मम्मी से परमिशन मिल गई, मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला। आप हमारे साथ में ऐसे घूमने चला करो, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, आपको तबीयत भी ठीक रहेगी, सब कुछ सही रहेगा। जल्दी चलते हैं, सनसेट भी होने वाला है, जल्दी चलते हैं, एक डाइव मार के आते हैं, गाड़ी की डाइव। आज मम्मी को दिखाएंगे ऑफ रोडिंग क्या होती है, नदी वाली ऑफ रोडिंग। मेरे को डर लगती है और भी टेंशन होएगी। ये चाहिए, ये क्या होता है, बबल्स ये। तो अभी गाइस हम जा रहे थे नदी की तरफ लेकिन पोपट हो गया, आगे रास्ता बंद है, आगे काम चल रहा है। ये देखो आगे तो सारी बजरी सीमेंट कट्टे वट्टे पड़े हैं, सब काम चल रहा है आगे, तो नदी में जाना कैंसिल, अब चलते हैं वापस घर। तो गाइस सामने देखो ट्रैक्टर में कैसे लोग लदे पड़े हैं, कैसे बैठे हैं भाई, बच्चे बच्चे तो मस्त लटक रखे हैं। तो अभी गाइस घर पहुंचने वाले थे तो मेरा मन करता पेटीज खाने का, तो मैंने पीयूष को बोला पेटीज लेने के लिए गया हुआ है वो। आज तो अंधेरा ही हो गया लेकिन काफी अच्छा लगा, मम्मी के साथ में ट्रैवल करने में काफी अच्छा लगता मुझे। मम्मी की तबियत खराब रहती है, सबसे बेकार बात तो ये लगती है बस। तो अपनी पेटीज तो आ चुकी है, घर खाएंगे अभी खाएंगे, अभी खाते ना, भूखा हो गया भाई, अभी खाते हैं घर खाना बनाना है बेटे, आराम से खाओगे। अरे हाँ तू तो खा सकता है, ओलू सौदा आ गए हैं, ओली शादी को कार्ड है सौदा। भाई भाई जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। पूरा दिन क्या कर रही थी, बोर हो रही थी, अकेले थी घर में, अकेली थी यार, बेचारा बोर हो जाता हूँ अकेले, मंदिर में ले आ नहीं सकते ना। बाय द वे चाचू और कुनाली को उनके मायके छोड़ा है, वो दो दो तीन दिन वहीं रहेंगे। तो अभी फिलहाल डिनर करते हैं, डिनर में है प्याज की सब्जी फिर रोटी। आज आने में लेट हो गया था तो मम्मी को बोल देता मैंने कि प्याज की सब्जी बना दो, रोटी के साथ खा लेंगे। तो हाँ वैसे भी पेटीज खा लेते तो एक रोटी खाएंगे और प्याज की सब्जी बस। तो हाँ आज गए थे हम पीयूष के मायके, नहीं तो आज हम तीन जगह गए थे, एक तो पीयूष के नैनीहाल, पीयूष की मौसी के घर और साथ में मंदिर। तो काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखा दिया व्लॉग में, बाकी किसी घर में जाके ना मैं कम ही व्लॉग करता हूँ, अच्छे से मिलते हैं सबसे अच्छा लगता है। तो हाँ फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ बिकॉज फिर मैं एडिटिंग स्टार्ट करूँगा और फिर कल हमारा जाने का प्लान है, तो नेक्स्ट व्लॉग में देखना इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। थैंक यू फोन नहीं है भैया, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना। फोन नहीं है ना, फोन लेके आ जा पहले, फोन लेके आ पहले भैया, रुक जाओ भैया, फोन लेके आ फिर लिए फोटो, रुक जाओ।